आने वाले हैं यूनिकॉर्न स्लाइम, और ये वाली वीडियो आप लोगों की काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो यूनिकॉर्न स्लाइम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे फेविकॉल, और मैं यहाँ पे 45 ग्राम्स की 2 बॉटल यूज कर रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट में स्लाइम बनाना चाहते हो। उसके बाद हम लेंगे वाटर, और वाटर आपको बिल्कुल लिटिल अमाउंट में चाहिए। देन लेंगे ग्लिसरीन जो कि ऑप्शनल है, और उसके बाद लेंगे फूड कलर। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप फूड कलर ही यूज करो, आप वाटर कलर भी यूज कर सकते हो। देन इसे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेंगे हमारे बोरेक्स एक्टिवेटर के साथ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइस आपको लिटिल बाय लिटिल ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है, और फाइनली हमारा स्लाइम रेडी हो चुका है। गाइस सबसे पहले हमने बनाया है यहाँ पे ब्लू स्लाइम, आपको सेम प्रोसेस के साथ पिंक और पर्पल कलर में भी बना लेना है। गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पिंक स्लाइम बना लिया है, और साथ में यहाँ पे पर्पल स्लाइम भी बना लिया है। तो अब आपको इन तीनों स्लाइम को आपस में मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमारा यूनिकॉर्न स्लाइम रेडी हो चुका है। देन डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्प्रिंकल, और अगर आपके पास स्प्रिंकल ना हो तो आप ग्लिटर भी यूज कर सकते हो। गाइस आप प्लीज कमेंट करना कि आपको ये यूनिकॉर्न स्लाइम कैसी लगी, और आप इसे 10 में से कितना रेट करना चाहोगे, एंड ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।